दोस्तों, अगर आपको भी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर जाने पर खुशी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आप भी मानते हैं कि भारत के लिए ये हार सबक देने वाली होगी और धोनी कोहली शायद ये सोच रहे होंगे कि इस हार से हमें अच्छा ही हुआ क्योंकि हम अब वर्ल्ड कप में और अच्छे तरीके से अपनी कमियों का पता लगा सकेंगे और आने वाले मैचों में शानदार जीत दर्ज कर पाएंगे। आपको पहले तो ये बता दें कि इस इंग्लैंड की जीत से ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप से अब लगभग बाहर हो गया है। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मैच के बारे में अपडेट दें तो आज इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार बल्लेबाजी की और अपने ओपनर के शतक की बदौलत उन्होंने शानदार 337 रन जैसा बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। हालांकि भारतीय टीम ने भी शानदार टक्कर दी और अंत तक मैच को ले गई। हालांकि टीम इंडिया को हार नसीब हुई लेकिन टीम इंडिया इस मैच से काफ़ी कुछ सीख कर निकली। ना सिर्फ गेंदबाजी पर अब काम करना होगा बल्कि फील्डिंग और बल्लेबाजी क्रम को भी सुधारना होगा। नंबर 4 पर हम कब तक नए नए बल्लेबाज को वो भी वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में आजमाते रहेंगे इस पर भी विचार करना होगा। क्या आप भी मानते हैं कि नंबर 4 पर क्यों ना महेंद्र सिंह धोनी को फिक्स कर दिया जाए? हमें कमेंट बॉक्स में अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो बताना बिल्कुल ना भूलें। और पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है उस पर आप क्या समझते हैं? क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले हमारे देश में ये बातें चल रही थी कि पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए, लेकिन पहले हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेले और पाकिस्तान को बुरी तरीके से पीटा। अब पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने में कहीं ना कहीं भारत ने अपनी भूमिका निभाई है। भारतीय टीम आज अच्छे से खेलती तो शायद पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में बना रहता और इंग्लैंड बाहर हो जाता, लेकिन अब इंग्लैंड आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान बाहर हो गया है। अगर आपको भी पाकिस्तान के बाहर होने पर खुशी है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। और टीम इंडिया में आप क्या चाहते हैं? नंबर 4 पर महेंद्र सिंह धोनी खेलें और टीम इंडिया में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए इस हार के बाद हमें ये भी बताना बिल्कुल ना भूलें कि टीम इंडिया में क्या क्या कमी हुई क्या क्या नहीं।